नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करेंगे आस्था से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महाराज के समालटा से प्रस्थान की तिथि तय हो चुकी है। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यह मूर्त निकाला गया, जिसमें कि 29 अप्रैल को छत्रधारी चालदा महाराज समालटा से अड़गांव खत के नराया के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वहीं 29 और 30 तारीख को नराया में रुकेंगे और 1 तारीख को छत्रधारी चालदा महाराज अपनी ज्येष्ठ खत पशगांव के ग्राम दसों के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अब जबकि तिथि सुनिश्चित हो चुकी है, तो समालटा में भक्त जनों का और भी तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम कुछ ऐसा है कि दिन में 5 से अधिक भंडारे वितरण करने पा रहे हैं, बल्कि बावजूद उसके भी भंडारों का तांता लगा हुआ है। भक्त जनों का जमावड़ा लगातार उमड़ा हुआ है और इसी क्रम में अभी तक क्या गतिविधियां रही है, उस संबंध में भी हमने जानने की कोशिश की मंदिर समिति के अध्यक्ष से। इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अब कुछ समय बाद समालटा से छत्रधारी चालदा महाराज जी आगामी पड़ाव के लिए प्रस्थान करेंगे, उससे पहले समालटा खतवासियों ने एक मोर का जोड़ा जो है छत्रधारी चालदा महाराज को आस्था स्वरूप भेंट किया है, जिसमें मोर के दो चित्र आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नर और मादा के रूप में यह चित्र छत्रधारी चालदा महाराज को एक जोड़ा भेंट किया गया है। इसके अलावा पाणुआ की बहन बेटियों ने भी अपनी श्रद्धा भाव से छत्र जो है चालदा महाराज को चांदी का छत्र भेंट किया है। इस दौरान बहन बेटियों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ 1 किलोमीटर करीबन की पैदल यात्रा कर छत्रधारी चालदा महाराज मंदिर समालटा पहुंची। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कि बहन बेटियां खूब झूम रही है, खुशी है, उत्साह है और अपने आराध्य देव के प्रति भक्ति भाव का ये जन सैलाब उमड़ रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति वर्मा के माध्यम से उपस्थित बहन बेटियों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। तो आइए, अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं समालटा में और जानते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इस आयोजन को लेकर पाणुआ की मातृ शक्तियों ने। पहले तो आपका स्वागत है, आपने मंदिर समिति और समालटा का संज्ञान लिया है और जहाँ तक आपने मोर के बारे में जो पूछा है, मैं आपको थोड़ा सा इसके संबंध में बता दूँ। ये मोर पूरे खत की ओर से, पूरे खत जनमानस की ओर से सब प्रेम भेंट की गई है। इसको आप चाहे पायता के रूप में पुकारें या आप इसको दहेज के रूप में भी कह सकते हैं, ये महाराज के चरणों में हमने पूरे खत ने थोड़ी सी सहज भेंट की है और ये बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है बसंत पंचमी का। और बसंत पंचमी का हमारे खत समालटा में दूसरी बार ये हमें इस सौभाग्य मिला है खत समालटा को। और ये जो मोर दी जाती है, ये मोरें दी गई, ये दो मोरें दी गई है नर मादा के रूप में, और इसलिए इसको जो है खत समालटा की ओर से सप्रेम भेंट की गई है। सर, जैसा आपने पूछा कि भंडारे की कितनी संख्या हो गई है, मैं आपके संज्ञान में इस बात को डाल दूँ कि आज जो भंडारा निमटा अभी तक का है वो 1102 की संख्या पे आया। और आपने पूछा कि ये जो कार्यक्रम है इसको आपने बड़ा सहयोग दिया है, आपने मेरे प्रति विशेषकर इसको सहयोग माना है, लेकिन मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूँ। ये सहयोग तो मेरे पास तो मात्र 2 हाथ है, वहाँ पे 40 हाथ लगते हैं, 10 बजे को तभी बन पाता है, तो पूरे खत का सहयोग है और महाराज का विशेषकर आशीर्वाद है। अगर महाराज का आशीर्वाद ना हो और ये आपके बड़ार देने वालों का सहयोग ना हो, खत वालों का सहयोग ना हो, तो ये कार्यक्रम सफलता की ओर नहीं जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और ये एक ऐतिहासिक पल रहेगा। बहुत समय बाद महाराज जी समालटा खत में आए और सभी की तरफ से जो है एक भंडारा जो है समालटा खत में महाराज जी के आने पर दिया जाता है और पानवा गांव की तरफ से, स्पेशल हाटूरियों की तरफ से जो है इस समय आज के दिन जो है ये सब जो है भंडारा दिया गया है। हाटूरिया जो है जो लड़कियां हैं गांव की उन्हें कहा जाता है और इस समय जो है मैरिड और अनमैरिड दोनों की तरफ से जो है भंडारा किया गया है। हम लोगों ने क्या किया है कि जो एक छत्र होता है शादी का छत्र, वो महाराज जी को अर्पित किया गया है हमारी तरफ से। इस समय जो जो गर्ल्स हैं, लड़कियां जो हैं, भाटूरियाँ,
जो अनमेरिड है वो जो छत्र हैं वो लेके गांव से मालवा गांव से अपने सिर में जो छत्र है वो रख के आई हैं और वो पैदल यात्रा करके इस समय आ रही हैं आई हैं वहाँ से गांव से और पैदल चल के समालटा मंदिर तक आई हैं और वहाँ पर वो छत्र वो चलाएंगी और खूब ढोल मारों के साथ वो नृत्य करते हुए नाचते गाते हुए झूमते हुए महाराज का नाम लेते हुए आ रही हैं और उसके बाद उसको छत्र को वहाँ पर चलाएंगे। तो बहुत ही खुशी का आनंद का एहसास है इस समय के। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि अपने परिवार के लिए अपने गांव के लोगों का जो अच्छे खुशहाली जीवन के लिए इस मनोकामना के साथ महाराज के चरणों में और उनके आशीर्वाद के साथ इसी मनोकामना के साथ भंडारे को दिया जाए। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।